ना इफ्रा तुम्हें, अगर जज्बे सच्चे हो ना तो इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। अब देखो ना, अशरफ भाई की लाख मुखालफत के बावजूद हम दोनों एक हो ही गए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमाद, आपने वो मुहावरा सुना, समंदर में रहकर भी मगरमच्छ से बैर? क्या मतलब? मतलब कि अशरफ भाई हर लम्हा हमारे साथ रहेंगे। जानती हूँ कभी ना कभी वो मुझसे बदला लेकर ही रहेंगे। नहीं इफ्रा, अब वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब देखो ना, हमारी शादी हो चुकी है, तुम इस घर में रहती हो जहाँ पर घर के दूसरे अफराद भी रहते हैं। कोई गली मोहल्ला तो है नहीं कि तुम्हें आते जाते रोक के वो तंग करेंगे। जो भी हो हमार, इंसान की कभी फितरत नहीं बदलती। देखो इफ्रा, बेहतर होगा कि तुम इन खदशात को अपने दिल से निकाल दो और नई जिंदगी की शुरुआत करो, अपने माजी को भूल जाओ। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि अशरफ भाई की बातों में इंटरफेयर मत करना। जब तुम उनकी बातों में मुदाखलत नहीं करोगी तो क्यों तुम्हें वो बिला वजह तंग करेंगे? तुम उन्हें कोई रीजन ही नहीं होगी। हाँ जी, क्या कर रही? ये बहुत अच्छा लड़का है। अगर आप ऐसा तो यही करता है इस बात में, तो फैरा का साथ मिली हुई है। एक दफा भी तूने नहीं सोचा कि अगर किसी को पता चल जाए कि वह लड़का उसका आशिक है और उसको वो लेके हमारे घर आई है तो हमारी नाक नहीं कटेगी? मुझे नहीं पता हमारे घर में किसी लड़की की ये इश्मशुकी की जरूरत नहीं कभी पड़ी। किसी इश्मशुकी की बातें कर रहे हैं आप? उन्होंने रिश्ता भेजा था इसके लिए। मैं अंधा हूँ? मैं अंधा नहीं हूँ। इज्जत से रिश्ता लाए थे, उन्होंने सहरा का हाथ मांगा था। कौन सी इज्जत जो तुमने उनको दी थी या जो असलम ने हमारी इज्जत की थी उनके सामने? जाहिल औरत, हर काम तूने उल्टा किया। ऊपर से तेरी बेटी ने वही करना था जो तूने उसको सिखाया। सारे जग की सबसे बुरी औरत तो मैं ही हूं। हाँ हो तुम जग की सबसे बुरी औरत। तुमने झूठ बोला और अब उस झूठ की हमायत कर रही हो। मैंने झूठ बोला इसलिए झूठ बोला कि अगर आपको पता चलता कि वाद सारा को पसंद करता है तो आप उसको घर में ना घुसने देते। इसका मतलब है तुमने जानबूझ के झूठ बोला? मैं डर गई थी। आप जानते हैं अशरफ को, आप जानते हैं उसे। जब उसने जवाद की बात की तो मैंने इस लड़के का रिश्ता मुनासिब समझा।
आप जवाद को मना कर दे, सायरा से ना कीजिएगा शादी, बस मना कर दे जवाद को। क्या हुआ? खैर तो आप कुछ गुस्से में लग रही हैं। बकवास बंद कर, तुझे भाइयों की तरह पाल पोस कर इस दिन के लिए बड़ा किया था कि तू बड़ा होके हमारी खुशियों को ही नाक बन के डस ले। अरे शर्म ना आई तुझे अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की से शादी करते हुए? अपनी मर्जी से नहीं कर रहा मैं, भाई का हुक्म है। तो इनकार कर देना मर्द बन। डर लगता मुझे भाई से। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दो चार चांटे और खा लेगा। तेरे लिए नई बात तो कोई नहीं है ना। देख जवाब, भाई तो इस वक्त बिफरा हुआ शेर बन के फिर रहे, लेकिन मैं तुझे खबरदार करने आई हूं। अगर तो दूल्हा बन के हमारे घर में दाखिल हुआ ना तू, तो कसम खा रही हूं मैं, रसम के दूध में ही जहर डाल के पिला दूंगी मैं तुझे, मार दूंगी तुझे मैं। एक ही हल है इस बात का, भाग जाए, भाग जा कहीं दूर। अगर तू मार के मुझे कब्र में भी दफना देगी ना, तो भाई मुझे ना कफन समेत कब्र से निकाल के ना सायरा के बराबर में बिठा देगा। अपनी मर्जी से नहीं शादी कर रहा मैं, छोटी बहनों की तरह सायरा मेरी। जवान तू कब से इतना बुजदिल हो गया? अरे डट कर खड़ा हो जाना उसके सामने। आप कह सकती हो, आप कह सकती हो, आप जो लोग मेरी तरह दूसरों की रोटियों में पलते हैं ना, वो नहीं कभी डट के खड़े हो सकते। हमेशा चांटे खाने के बाद अपने गाल मसलते रहते हैं। सच सच बता, तेरे दिल में क्या है? जो मेरे दिल में है वो कहने की हिम्मत नहीं है मुझे। मत करना तो बहादुरों का काम है। बुजदिल लोगों से काम मोहब्बत होती है। बहादुरों का नहीं, हौसला मंदों का काम है। बहादुर तो भाई भी है ना, हार गया ना मोहब्बत के मैदान में। देख तो सच सच पता, तू तो किसको पसंद करता है? जवाब में तुझसे कुछ पूछ रही हूं, बताता क्यों नहीं है? अरे बोल ना। तेरे बराबर खड़ी है, इसे क्या कि मेरी शादी करा देना इससे। ना, मेरे से ये सब कुछ नहीं होता। बस अपने आप में हिम्मत पैदा कर और कह दे जाके भाई को।